नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपको बताऊंगा कि कुमड़ा या कद्दू, उसके बीज में कितना विटामिन होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, हम इसे बेकार समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कुमड़े के बीज काजू के समान गुणवत्ता युक्त होते हैं, पौष्टिक, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, बुद्धि को धारण शक्ति बढ़ाने वाले, मस्तिष्क को शांत रखने वह कृमिनाशक है। किस तरह से सेवन करें? बीज पीस लें, दूध में 1 चम्मच मिलाकर पिएं। इससे शरीर पुष्ट होता है। पचने में भारी होने के कारण इसे अधिक मात्रा में ना लें दोस्तों। सर्दियों में बलदाई है, कुमड़े के बीजों के लड्डू बनाएं। इससे वजन, शक्ति और रक्त शुक्र धातु की वृद्धि होती है, बुद्धि भी बढ़ती है। विधि किस तरह से बनाएं, क्या करें? कुमड़े के बीजों के अंदर की गिरी निकालकर उसे थोड़ा बारीक पीस लें। लोहे के तवे पर घी में लाल होने तक भूने। मिश्री की चाशनी में मिलाकर तिल के लड्डू के समान छोटे छोटे लड्डू बनाएं। सर्दियों में बच्चे 1 और बड़े 2 से 3 लड्डू चबाकर खाएं। सर्दियों में बलदाई कुमड़े के बीज के लड्डू। लाभ, इससे वजन बढ़ता है, शक्ति आती है, रक्त और धातु शुक्र धातु वृद्धि होती है, बुद्धि बहुत बढ़ती है। विधि, कुमड़े के बीज के अंदर की गिरी निकालकर उसे थोड़े गर्म करके बारीक पीस लें। लोहे के तले पर घी में लाल होने तक भुने। मिश्री की चाशनी में डाल के तिल के लड्डू के समान बना लें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर इसको आप खाइए। तो दोस्तों, आपको जो है कुमड़े के बीज की उपयोगिता पता चल गई होगी, किस तरह से आप इसका उपयोग करें, किस तरह से खाएं और कितना पौष्टिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।